सो अब हम बात करते हैं डिफरेंस इंजन की। तो चार्ल्स बैबेज, ब्रिटिश मैथमेटिशियन नोन एज अ फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, डेवलप्ड हिज मशीन इन 1822। डिफरेंस इंजन वॉज केपेबल ऑफ कैलकुलेटिंग वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड मैथमेटिकल टेबल्स। तो चार्ल्स बैबेज थे, उन्होंने पहला मॉडर्न कंप्यूटर बनाया था। इससे पहले हमने एक और बात की थी, वो था बेस पास्कल ने ये कंप्यूटर बनाया था, बट वो ओल्ड था। ये वाला जो है, जो चार्ल्स बेबिज ने बनाया था, वो मॉडर्न कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। सो उनको क्या, चार्ल्स बेबिज को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने ये मशीन को बनाई थी 1822 में बनाई थी। और ये जो जो ये इंजन इन्होंने बनाया था, ये कैपेबल था मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए, मैथमेटिकल की टेबल्स, ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट या उसके आंसर्स देने के लिए ये डिफरेंस इंजन का उन्होंने आविष्कार किया था। उसके बाद बात करते हैं हम एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन, आफ्टर द सक्सेस ऑफ द डिफरेंट इंजन, द चार्ल्स बैबेज डेवलप्ड अनदर डिवाइस कॉल्ड द एनालिटिकल मशीन इन 1833। एनालिटिकल इंजन वर्कड ऑन द कॉन्सेप्ट यूज इन द ऑटोमेटेड लूम एंड द डिफरेंस इंजन। ही इंक्लूडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंट्रोल प्रोसेसर, स्टोरेज एरिया एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेज इन द मशीन। इट हैज़ ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर एंड द मशीन वॉज केपेबल ऑफ डूइंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन एज वेल एज द लॉजिकल ऑपरेशन। सो अब बात करते हैं हम एनालिटिकल इंजन की। तो एनालिटिकल इंजन भी चार्ल्स बैबेज ने ही बनाया था, बट उन्होंने कब बनाया था, उसके ठीक 10 साल बाद, 10 साल बाद एक दूसरा कंप्यूटर, 11 साल बाद एक कंप्यूटर बनाया था, और वही उसका डेवलप्ड वर्जन था। तो ये जो बनाया था, ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा एडवांस था, और ये जो था ये कुछ और, ये एक तरीके से इसमें मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स इसमें रिजेंबल करते थे, बहुत सारे पार्ट्स उसमें थे, मतलब ये एक तरीके से मॉडर्न डिवाइस था। और ये मशीन जो थी वो बहुत ही फास्ट जो थी, लॉजिकल ऑपरेशंस करने में कैपेबल थी, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बहुत ही अच्छे से कर सकती थी, और इसमें बहुत ही मॉडर्न पार्ट्स लगे हुए थे। इट वॉज़ मोर एफिशेंट। उसके बाद बात करते हैं हम ENIAC की। ये एक अलग मशीन थी, मॉडर्न मशीन थी, ठीक है। तो इन एक स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इट वॉज इन्वेंटेड इन 1646। इट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एंड दिस कंप्यूटर्स वॉज इन ह्यूज साइज एंड हैज़ मैनी ड्रॉबैक्स एंड प्रिवेंटेड दैम फ्राम बींग यूज एज अ कॉमन पीपल। द स्पीड ऑफ द इनैक वॉज वेरी हाई इन कंपेरिजन टू अदर अर्लियर मशीन्स। तो ENIAC क्या चीज़ थी, इसका फुल फॉर्म क्या था, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी जो कैलकुलेशन को इंटीग्रेट कर सकती थी, मतलब उसको सहेज के रख सकती थी और उसको कैलकुलेट कर सकती थी। और ये इन्वेंट हुई थी 1946 में, और इट वॉज अ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये पहला कंप्यूटर था जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता था। ये कंप्यूटर बहुत ही बड़ा साइज में था, इसलिए इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे। इसके सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही था कि वो सबसे बड़ा था, और बड़े होने के कारण उसे कॉमन आम आदमी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जो स्पीड थी एनएक की वो बहुत ज़्यादा थी, इससे पहले के जो हमने बनाए थे डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन जो चार्ल्स बैबेज ने बनाए थे, उससे ये थोड़ा सा फास्ट था। तो ये उनमें इनमें डिफरेंस है। उसके बाद हम जनरेशन की बात करते हैं कि कौन कौन तरह के, इसके बाद जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स आने लग गए। तो डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर इज ऑफन रिफर टू द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिवाइस। ईच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर इज कैरेक्टराइज बाय द मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। दिस डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटली चेंज द वे ऑफ कंप्यूटर ऑपरेट, रिजल्टिंग इन द इंक्रीजिंग स्मॉलर, चीपर एंड मोर पावरफुल एंड बट एफिशियंट एंड रिलायबल डिवाइसेस। लेट अस स्टडी अबाउट ईच जनरेशन एंड द डेवलपमेंट दैट लीड टू द करंट डिवाइसेस विच वी आर यूजिंग टूडे। सो जनरेशन ऑफ, इसके बाद इनैक के बाद जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन ऐसे करके आने लगे। तो वो किस पे डिपेंड थे, तो जो उसके बाद जो कंप्यूटर डेवलप हुए वो जनरेशन पे डिपेंड थे। वो कैलकुलेशंस किस हिसाब से कर सकते थे, अलग अलग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जैसे जैसे हुई तो वैसे वैसे जनरेशन बढ़ती गई। तो उसके बाद हमने क्या किया, उसमें जो कैलकुलेशन करने की स्पीड थी और उस जो डिवाइस था वो धीरे धीरे छोटे होते चले गए, वो सस्ते होते चले गए, वो बहुत ही पावरफुल होने लग गए, मतलब उसमें पावर ज़्यादा थी, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा इफ़िशेंट थे, मतलब काम करने में बहुत ही जल्दी काम कर सकते थे, टाइम पर काम कर सकते थे, और रिलायबल थे, मतलब उस पर हम वो कर सकते थे, उस पर रिलाई कर सकते थे, मतलब उस पर हम भरोसा कर सकते थे। और इसके बाद हम जैसे जैसे ये जनरेशन पढ़ते गए, धीरे धीरे जो हम आज जो हमारे पास डिवाइसेस हैं वो अब धीरे धीरे करके लेटेस्ट जनरेशन जो है उस पर हम आ चुके हैं।